हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। बस आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं धूप के साथ। आज तो पूरा बादल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी बारिश चली गई। लगता नहीं है आज आएगी। क्या लगता है पापा, आएगी बारिश? नहीं आएगी ना। सुबह से बहुत ही ज्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ही है। क्या हो गया? खुला हो गया। हाँ खुला हो गया, अभी नहीं आएगी शायद। आज तो बहुत गर्मी बहुत है। देखते हैं अभी देखते है। क्या पापा आपका इंस्टाग्राम में कैसा चल रहा है? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी अभी पापा इंस्टाग्राम में थोड़ा अपग्रेड, मतलब कि थोड़ा कुछ नया सीख रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे। वो रोज का सुविचार डालते, जिन जिन लोगों को पसंद हो सुविचार, वो पापा के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते। तो बता दीजिए पापा आपका इंस्टा आईडी। तो आप फॉलो कर सकते हैं और पापा का सुविचार आप रोज सुन सकते हैं वहाँ पे। तो पापा आज का सुविचार रेडी है? आज का सुविचार है, शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वही बेटर है। हाँ। क्योंकि दरारें न जीने देती है और न मरने देती है। सही बात है पापा, बहुत ही बढ़िया सुविचार, तीन ही जैसा सुविचार दिया है आज पापा ने। बिखर जाए वही अच्छा है, लेकिन रियल में बिखर जाए तो हमें कचरा में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हार्दिक भाई भी जग गए। हार्दिक भाई गुड मॉर्निंग। बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि आपकी एग्जाम का वो रिजल्ट आ गया या नहीं? नहीं आया। नहीं आया? ओके, नहीं आया है, अभी नहीं आया है। आएंगे तो हम पूरा व्लॉग हार्दिक भाई पे ही बनाएंगे, पूरे रिजल्ट के ऊपर। हमारा ब्रेकफास्ट में है मकाई का चिवड़ा और यहाँ पे अभी चाय बना दूंगी। और मम्मी यहाँ पे कान्हा जी की खातिरदारी करते हुए, आज तो कान्हा जी के खाने में आलू है। हाँ, जो ये जो जीत करती है फ्रूट का वो कान्हा जी को मिलता है। अभी पौने 9 बज गए और हेजू और काका की मस्ती यहाँ पे चल रही है। हेजू ट्यूशन क्यों नहीं गई बेटा? हेजू को यहाँ पे थोड़ा नेल के पास स्किन थोड़ी निकल गई है, तो हेजू ने कल से बैंडेड लगाई है, लेकिन ऐसे ही रखती है। पता चलता है हेजू को ऐसे दुखेगा, दर्द होगा तो स्कूल पे नहीं जाने को मिलेगा, है ना हेजू? बानाखोर आंजो तो ऐसे ही जो था बानाखोर। स्कूले तो जवानो छे, नथी जाओ स्कूले काई લખાવતા નથી, ત્યાં તો બેસવા દે છે, ત્યાં બેસ છે ખાલી, મેમ ને આમ બતાવીને બેસી દે છે, આમ થી બેસે છે, આમ થી બેસે, આમ બતાવીને બેસી દે છે। ચલ તમે બે બાદ મને જોવા દેવ। भोपी भोपी भोपी, चल चल उठ उठ, चल तैयार मांड, तू स्कूल टाइम रेडी थई रहे, चल 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 चल। अभी बजे सुबह के 9:45 और रेजू ने सब कुछ यहाँ पे बिखेर दिया है, अपना काम कर दिया है। मुझे सफाई करना और रेजू को बिखेरना, बस ऐसा ही काम होता है सुबह सुबह। रेजू अभी क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो अभी? पिज्जा बनावे छे। ओ बादाम वाला पिज्जा, શું ચાલુ કર્યું છે ત્યાં બધું? રેસ્ટોરન્ટ હે? રેસ્ટોરન્ટ રેસ્ટોરન્ટ નહીં બેટા, રેસ્ટોરન્ટ 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 હે રેસ્ટોરન્ટ। શું શું મળે છે તારા રેસ્ટોરન્ટમાં? પીઝા, નૂડલ્સ, પછી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ, સ્પગેટી 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 ઓકે, પછી જાનકા લઝાંકાઈ મળે છે, આટલું બધું મળે છે? મે અમ્મા ઉભા કઈ જાય છે? અમ્મા આવો, ચલ મારે ઓર્ડર આપવો છે, ઓર્ડર આપો। નહી હું આપું છું ને। ઓકે, મને પાસ્તા ખાવા છે, મળશે? હા પાસ્તા મળશે, આપ પહેલા ફિનિશ કરી નાખો। ઓકે, અભી એ જો અપના પિઝા બના રહી હે, અબે એ તો કચ્ચા હે, પકેગા કેસે? ઈ પકી જતા હે, आये मैं आये मुर्का था, ये पकी गया है। इसने यहाँ से लेके यहाँ पे मुका था तो पकी गया है। ओवर वॉमल। अभी यहाँ पे चीज डलते हुए, इस बार चीज ना के चे तू? कितना रुपया नो छे एक पिज्जा? पैसा काई ना था अपना, हम ना ले जाओ। एम ने? हाँ पैसा लेवाना छे, 500। 500 रुपया नो एक पिज्जा? मम्मी। हाँ। तो मैं पहली बार आओ रहा ना, तो फ्रिज में फ्री वाम ले जाओ। फ्री में ले जाओ तो ओके, पची नेक्स्ट टाइम आओ ना यार, पैसा लेना आओ। ओके बाय बाय। ऊपर पिज़्ज़ा आपना सही है। हाँ हाँ, पिज़्ज़ा बैग थाई क्यों बड़ी क्यों? ओह माय गॉड, बड़ी क्यों? उतावर रखो जल्दी। हाँ
तो गाइस अभी बजे है दोपहर के 12 और हमारा दोपहर का मेन्यू मैं आपको बता देती हूँ। इसे लौकी और चने दाल की सब्जी और यहाँ पे आटा गूंद लिया है और केरी भी कट के रख दी है मैंने फ्रिज में। तो अभी पापा और हार्दिक भाई ऑफिस से आएंगे तब खाने के लिए बैठेंगे और गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। तब तक मिल लेते हैं मम्मी से। मम्मी यहाँ पे ठंडे ठंडे रूम में कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी अपना कबाट रखे करते हुए मम्मी नई साड़ी लाएंगे तो जगह बनाते हुए जगह बनानी पड़ेगी ना, इसलिए मम्मी थोड़ी जगह कर रहे हैं नई साड़ी को रखने के लिए ना मम्मी। तो कितनी निकाले आपने पहनने के लिए? दो ही? दो, तीन। तीन यहाँ पे तो दो ही है। बाथरूम में? ओके तो गोटरी है कि क्या है मम्मी? ये सभी साइड एक समान रखते हैं ना तो थप्पड़ सरखा दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा नहीं आता मुझे। हार्दिक भाई भी पधार गए। हार्दिक भाई एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया मेरे फोन में, कंपनी में देना पड़ेगा। मैंने पप्पू भाई और जयदीप से बात की है तो थोड़ा बड़ा इश्यू आया है मेरे फोन को लेकर। तो फोन के बिना मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी? वो तो आपको देखना है। आप हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व करो, व्लॉग है उतारो। नहीं सॉल्यूशन मांगियो। आप सॉल्यूशन बताओ पड़े हम तो कहू। तो ये बदले का कहवा है ना कैमरा में हूँ हेल्प करी से वो कहवा है। कैमरा में उतारो એટલે ખબર છે તો પછી अब सपोर्ट नहीं तो बात बाजू मार रही ई के તમારે સોલ્વ કરાર આવું છે જો હાર્દિક ભાઈ કભી કભી એટના પોત પોત ये પોત પોતા કા નહીં ये ફેમિલી વ્લોગ है। ફેમિલી વ્લોગ में आप भी आ ही जाते हो। जो हार्दिक भाई ने पूरा मेरे पे डाल दिया है तो देखते हैं अभी। तो सुबह से लेके मैं इतनी हैरान हो रही हूँ ना फोन को लेकर। मैं कैमरा चालू करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, 15 या 16 सेकंड होती है, बाद में बंद हो जाता है। तो कितनी मैंने रीटेक लिया लेकिन कुछ मेल ही नहीं आता है। अभी मैंने जयदीप को फोन किया है, वो भी मुझे वो काम में थे और मैं फोन कर रही थी तो वो भी मुझे डांटने लगे। तो मैंने सोचा चलो मैं आप ही सोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा। तो अभी शाम के 5 बजे और बहुत ही ज़्यादा पवन और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। अभी तो लगता है बहुत ज़ोरों से बारिश गिरने वाली है। तो अभी शाम के 6:45 बजने वाले हैं और रेजू यहाँ पे उठ के अपना व्लॉगिंग कर रही है। रेजू क्या कर रही हो अभी तुम? ओके और बहुत सारा बारिश का आवाज़ आया था लेकिन कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो आज कुछ ऐसा ही था। बहुत ही ज़्यादा बादल गरजे लेकिन एक भी बूंद, मतलब कि थोड़ा ही पार्किंग जितना गीला हुआ है बस इतनी ही बारिश आई। कुछ ज़्यादा आई ही नहीं, लगता था बहुत ही ज़्यादा आएगी। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि लगता था आज तो बारिश बहुत ही ज़्यादा आएगी। हैप्पी बर्थडे आदि। ओ आ तो फी आ छे आदि का गयो। ओ पोपट थई गयो આદિ સ્કૂલે ગયો બેટા। હેજુ હેજુ તારા સ્કૂલ માં નવા નવા ફ્રેન્ડ્સ બની ગયા આજે? હે ખાલી ઓલા જ ફ્રેન્ડ બન્યા છે। કોણ ફ્રેન્ડ્સ બન્યું છે? પૂરા જોહિત ભાઈ। ઓકે પછી બધા ફ્રેન્ડ્સ ને આપણા ઘરે બોલાવવા છે? હા। ક્યારે? મટકી ઉત્સવ થાય ને ત્યારે ફ્રેન્ડ બોલાવવા। ઓકે મટકી ઉત્સવ ને તો હજી વાર છે, આપણે 2 લાખ સબસ્ક્રાઇબર થાય ને 2 લાખ ભગવાન વરસાદ હારો મોકલે ને। ચલો ગાડી જે ભજન રાજા રણ સોડ બન્યા પડારે લોલા છોડી દીધા દ્વારકા ના રાજ જો રાજા રણ સોડ બન્યા પડારે લોલા અષ્ટપટ રાણીઓ તજી દીધી રે લોલા કરવા આવ્યા ગંગાબાઈ ના કામ જો રાજા રણ સોડ બન્યા પણારે લોલા વાલી લાગી બોડાણાની ઝૂંપડી રે લોલા આરોગ્યા છે રોટલો ને સાસજો રાજા રણ સોડ બન્યા પણારે લોલા
भक्त ये तो प्रभु केरो प्राण शेर लोल रहे सेवालो भगतोनी पास जो राजा रणसोड़ा बनाया पड़ारे लोल राजा रणसोड़ा बनाया पड़ारे लोल। बहुत ही बढ़िया भजन मम्मी ने सुना दिया है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरे फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा बंद हो रहा है, तो अभी देखते हैं। अभी हार्दिक भाई तो है नहीं घर पे, हार्दिक भाई ने सुबह सुबह बोला है एक दिन ट्राई करके आप देख लो, बाद में देखते हैं कंपनी में देना पड़ता है क्या करना पड़ता है। क्या है कि मेरा फ़ोन मैं कंपनी में दूंगी तो दो दिन के लिए तो कैसे ब्लॉग बना पाऊँगी वो अभी सोचना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं कुछ करते हैं डिसाइड करते हैं। आज तो बहुत ही दिक्कत आई, थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ़ोन मतलब कि कैमरा बंद हो रहा है, शायद न्यू अपडेट आया है इसलिए भी हो सकता है, पता नहीं क्यों, लेकिन देखते हैं अभी। तो बस आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करवा दो जल्दी जल्दी। और हाँ, लास्ट में हेजू ने आज स्कूल में एक नई चीज़ सीख के आई है। हेजू आज हिंदी में क्या सीखा था? आम फलों का राजा है, आलू टाटा है, अच्छे बच्चों ना दूर आई को मठू ना दूर।